हरे कृष्णा भाई, कल एक मेल आया होगा जितना भी आपका, जो भी आपका ब्रोकर है उसके पास से सारे लोगों को। देखिए पेटीएम का भी है, जीरोधा का है और बाकी दो का अलग ईमेल आईडी से है, तो उन लोग का भी। तो जल्दी से जा करके इस मेल को चेक कीजिए आप। नहीं अगर आया है तो एक बार ब्रोकर से बात कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि अगर इसको आप चेक नहीं करते हो दोस्त, तो समझो कि आपका घर बार बिकने वाला है, हेवी एकदम जो बड़ा सा लॉस है आपको देना पड़ जाएगा। अगर अभी भी इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखिएगा, बिना टाइम पास किए हुए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि क्या है वो मेल, क्या है, कैसे है और क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ। तो समझिएगा उन चीज़ों को कि क्या उसमें है। तो चलिए समझते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लोगों तक लाइक्स वगैरह बढ़ा दीजिए, लाइक्स कम से कम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब, कि और भी लोगों तक इसको रिकमेंड कर दे कि कुछ और लोगों का जान बचे। देखिए भाई, अभी रिसेंटली दो दिन से सारा ब्रोकर, जितना भी ब्रोकर है आपको सब ये मेल कर रहा होगा, ठीक है, जो भी क्या है आपका, क्या आपका मतलब प्रीवियस रहा, आपका आईना एकदम पूरा चिट्ठा कि आप क्या है। मैं 90% उन रिटेलरों को कहना चाहता हूँ जिनको अभी भी आप उठा करके पूछ दीजिए या फिर अभी आप सोच के बताइए, लिखिए कि आपका कितना लॉस हो रखा है, एग्जैक्ट अमाउंट। आप सिर्फ लमसम में बात करोगे, आप टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कम लोग हैं जिसको कि पता है कि मेरा इक्विटी में कितना लॉस हुआ है और ऑप्शन फ्यूचर में लॉस कितना हुआ है। तो एक बार सेबी का डेटा भी देख लीजिएगा। और देखिए ये जो चीज़ आया है ना, आपको एकदम हर एक आदमी को देखना है कि जो जैसे TDS वगैरह जिसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके लिए ये हर एक ब्रोकर भेज रही है। अगर नहीं आपके पास आया है मेल तो आप बात कीजिए, अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ आपके लिए। अगर प्रॉफिट में है तो लॉस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल तक लॉस कैरी होता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 15% बढ़ा दिया गया है, तो ये आपको जितना भी प्रॉफिट आप किए हुए हो उसका आपको 15% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो और भी अगर डिटेल्स में ये जानना है तो समझ लीजिएगा, दूसरे कोई वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या है। लेकिन कम से कम अभी आपको क्या करना है दोस्त, कि जा करके इस मेल में एक एक्सेल सीट है अटैच किया हुआ, जाइए जा करके उसको पढ़िए। पूरा आपका जो है उसमें एकदम बता दिया गया है, एक एक चीज़ को पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है कि आपका ये जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें आपका प्रॉफिट कितना रहा, लॉस कितना रहा, एक एक चीज़ दिखाएगा। नहीं समझ में आता है उसको बढ़िया से एक्सेल पे खोल करके एक एक लेज़र तो लिखते नहीं हो, मैक्सिमम लोग लेज़र नहीं लिखते हो, मतलब लेज़र बोले तो जनरल जिसको बोलते हैं, जनरल आप लोग में से बहुत ज़्यादा बहुत कम लोग लिखते हो। तो जाइए उसमें आपका पूरा जनरल भी है कि कब बाय, कब सेल, कितना में बाय, कितना में सेल, और पकड़ने का कोशिश कीजिए कि आखिर गलती क्या हुआ आपसे। भाई एक तो आपको सीरियसली जो आप गलती कर रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो, दूसरी चीज़ लॉस हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है इसका रीज़न जानने से आपको मतलब नहीं है, आपको बस ऑप्शन ट्रेड करना है। मैं बता रहा हूँ कि कल एक क्लास हुआ था, सबको मैं सोचा कि चलो फ्री में है भैया, सब बात कर लो, मेरे कारण अगर आपको फ्री में मिल जा रहा तो क्या दिक्कत है। लेकिन कितना लोग किया, बहुत कम, सजाद भाई थे और कुछ लोग थे, क्या मतलब है अभी, मतलब अगर सीखना है ना भाई तो अभी मेहनत कर लो, यही समय है आपके पास, नहीं तो इसे एक चिल्ली वाला सपना जो देख रहे हो ना, इतना प्रॉफिट होगा। और दूसरा सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ा ट्रेडर नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिटेबल बने, क्योंकि जिस दिन आप प्रॉफिटेबल, जिस दिन आपने अपना स्ट्रेटजी बना लिया उस दिन आप दूसरा का स्ट्रेटजी देखना छोड़ दीजिएगा, दूसरा का प्रॉफिट एंड लॉस देखना छोड़ दीजिएगा। ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको देखने से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ कुछ अच्छा बात बोल रहा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, कुछ अलग चीज़ बोल रहा है तो आप देखोगे उसका, जो कोई भी वीडियो बनाता है ना अगर स्ट्रेटजी से रिलेटेड, मैं मेरे पास देखे होंगे कोई स्ट्रेटजी नहीं, 1-2-3 बस वही जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रेटजी से रिलेटेड बनाओ ना तो मेरा भी चैनल वायरल हो जाएगा, भर भर के व्यूज आएगा, 2,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 ऐसे आएगा। लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी चाहिए, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा लॉस हो रहा है क्यों। मैं इतना अच्छा अच्छा प्रीवियस वीडियो देखिए साइकोलॉजी का, कि फियर क्यों रहता है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता है। जो लोग समझ रहा है भाई, उसमें एक भैया कमेंट किए हैं, क्या मैं बताऊँ, बुक लिख दिए हैं कमेंट में,
और मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि भैया इसी तरह से लिखिए, ये चैनल जो है ना कोई चैनल नहीं है, मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल एक लाइब्रेरी हो जाए जिसमें अपना सब दुख दर्द कमेंट में लिखे कि कोई दूसरा नया लोग पढ़े तो उसको सब समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ होता है। मैं किसी का निगेटिव कमेंट भी मैं डिलीट नहीं करता हूँ, गाली देता है तो छोड़ दिया, गाली दो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि कोई तीसरा बंदा है तो वो पढ़े तो उसको समझ में आए। भाई सच में बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता है कि आप प्रॉफिटेबल, जिस दिन आप प्रॉफिटेबल मतलब हो गए ना, आप किसी का देखिएगा ही नहीं वीडियो, आपको खुद पे ध्यान देना होगा, आप खुद समय मिलेगा तो आप इथेरियम का चार्ट खोल करके प्राइस एक्शन लगा करके देखोगे, समय मिलेगा तो रिलायंस में, मैं हमेशा बोलता हूँ रिलायंस मेरा फेवरेट है, उसमें देखोगे कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे जबरदस्ती रिसर्च करते रहोगे कि चार्ट कुछ बता दे कि हाँ ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दूसरा का वीडियो से कोई उतना मतलब ही नहीं। हाँ जिसको फॉलो करते हो उसको देखो, उसको समझो, लेकिन बाकी सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहेगा गुरु कि तुम प्रॉफिटेबल बनो, तो सबसे पहला ये जा करके आप आईना देख लीजिए, आपका सब में आ गया होगा। हम लोगों ने भी देखा, हम लोग भी अपना अकाउंटेंट से बात की कि भैया इतना कुछ प्रॉफिट है, इसको देख लीजिए कैसे कैसे एडजस्ट करना है। तो उसमें उन्होंने बताया कि भैया अगर आपका प्रीवियस लॉस है तो उस लॉस को 3 साल तक आप कैरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको दिखाना। तो हमने कहा कि मेरा तो प्रीवियस बढ़िया लॉस था, हमने कहा कि देख लीजिए एक बार हमारा इतना इतना लॉस है, तो अब कैसे एडजस्ट करेंगे वो समझें। और दूसरा चीज़, एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि देखिए ये मेरा पैसिव इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग आपका सेकेंडरी सोर्स हो, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए साइड से, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग को एकदम प्राइमरी बना लो, नहीं, पहले पैसा कमाओ। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए ये सिर्फ छोटा एक एरिया का है, ये वाला ईमेल आईडी पे डाला हुआ, इसी तरह का मतलब एक पार्टी, एक मेरे अंडर बैंक लिंक किया हुआ है जो काम कर रहा है, उसका कमीशन 12 रुपया 15 रुपया डेली, मैं सो रहा हूँ, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं गुरु। आपको मैं दिखा दूंगा, अगर नीचे भी आप देखना चाहोगे तो देखिए 13 तारीख का तो वो हो गया, 12 तारीख का आप देख लीजिए, देखिए 12 तारीख को भी 7 रुपये मतलब 8 रुपया के आसपास। तो भैया आप समझो कि है, अगर मेरा एक दूसरा अकाउंट में और लिंक है ईमेल आईडी में, उसमें करीब 50-60 अकाउंट है, तो आप समझ लीजिए कि 50-60 अकाउंट का 10-10 रुपये के हिसाब से भी अगर बन रहा है उसमें, तो आराम से आ जा रहा है, चाय पानी का तो बढ़िया से निकल जा रहा है, पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा निकल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है। फिर ट्रेडिंग में भी उतना का रिस्क ले सकते हैं, चलो उधर से आ जाएगा, सोते सोते इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसी तरह से कुछ क्रिएट करो यार, कुछ क्रिएट करो, और सबसे पहले तो जा करके अपना आईना देखो एकदम। कल भी छुट्टी है आपके पास, जाइए देखिए, मतलब ये बताने का मकसद यही था कि जा करके देखिए पूरा चिट्ठा कि कहाँ मेरा लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, सब चीज़ एनालाइज किया। आप नहीं लिखते हैं, आप पता है हम लोग कोई सब बेवकूफ़ी ही करते हैं, सबको बस बड़ा बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा बड़ा वीडियो देख करके, आईटीआई वाला का और किसका किसका वीडियो देख करके, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई मेहनत नहीं करना। अरे फ्री में इतना अच्छा क्लास नहीं किया, कितना अच्छा मतलब बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स पे क्लास है। अब ये सजाद भाई आप क्लास में थे, मैं सुना था आपका नाम, अब बताइएगा प्लीज़, या जो भी लोग क्लास को किए हैं बताइएगा कि हाँ मज़ा आया कि नहीं आया, मतलब लग रहा था कि क्लास नहीं, कितना अच्छा से बताया जा रहा है, जैसे 10th 12th में पढ़ाया जाता था उस तरह से पढ़ाया जा रहा था। तो मुद्दा तो यहाँ सिर्फ शॉर्टकट मनी है, आपको बस शॉर्टकट में कमा लेना है, चल जाना है। भाई ये सब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब कुछ शुरू में कर दो, आराम से फिर रहो, जाइए जाकर के चेक कीजिए कि कौन सा जगह पे आपका प्रॉब्लम है, किस पे आपको सुधार करना है, और नहीं होता है तो ऑप्शन बंद कर दें या क्या करें। ऑप्शन में नहीं होता है तो आप पहले स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लीजिए बैंक बीच पे जाकर के, उसके बाद कीजिए, जाइए जाकर के अपना आईना देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवाइए। हरे कृष्णा।